दोस्तों, क्या आपको पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया? और मुझे पता है कि आपको अभी गुस्सा आ रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं भाई। हम सभी लोग जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है, हम लोग स्कूल में भी पढ़े हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज ये कैसे बोल रहा है कि भाई थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया? देखिए, कुछ भी कहिए लेकिन सच यही है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया। आपको आपके स्कूल में पूरी बात ठीक से नहीं बताई गई थी। अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन के जीवनी पढ़े होते तो शायद आपको पता होती, लेकिन मुझे पता है कि आपको अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही होगी। बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शंस में हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अब आपका एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई हो गया होगा। चलिए अब मैं आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर करता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया, लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई तो फिर किसने किया? तो मैं आपको बता दूं कि जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाए थे उससे पहले कई बल्ब बनाए जा चुके थे, लेकिन अब सवाल ये भी है कि फिर उन्हें इसका आविष्कार करने का श्रेय क्यों दिया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजली का बल्ब जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था उससे पहले कई बल्ब बनाए जा चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो बल्ब यूजफुल नहीं थे, यानी लंबे समय तक नहीं टिक पाते थे। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो वो बल्ब बहुत ही जल्दी फ्यूज हो जाते थे। हालांकि थॉमस अल्वा एडिसन ने भी बहुत बार कोशिश की थी बल्ब बनाने की, वो बहुत बार फेलियर रहे, लेकिन मेहनत करते 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 वो बाद में फिर सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल इन द सेंस ऑफ कि उनका बल्ब कारगर रहा। और दूसरा रीजन ये है कि वो सिर्फ बल्ब को बल्ब नहीं समझते थे, वो एज अ बिजनेस समझते थे। मतलब ये कि इस बल्ब के बिजनेस से कितना पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम उनकी बात करें जो कई बल्ब बना चुके थे, वो सिर्फ बल्ब पे फोकस करते थे, वो एज अ बिजनेस नहीं समझते थे, इसलिए वो फेलियर रहे। देखिए, जब लोग मैदान में दौड़ते हैं, जो लोग हार जाते हैं उनका नाम सामने नहीं आता है कि भाई कौन कौन हार गया है। नाम उनका सामने आता है जो जीत जाते हैं, जो विनर होते हैं। जैसे फेसबुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। फेसबुक का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले कुछ लोगों के दिमाग में आया था और वो लोग प्लान भी कर रहे थे बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मार्क जुकरबर्ग ने पूरे अच्छे तरीके से उसको बना के रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज देखिए फेसबुक कितना ज़्यादा पॉपुलर है, पूरी दुनिया जानती है फेसबुक को, यूज़ भी करती है। तो ये बात आप अच्छे से जान गए होंगे कि भाई थॉमस अल्वा एडिसन जो है उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि उससे पहले कई बल्ब बनाए जा चुके थे। अगर हम श्रेय की बात करें, बल्ब बिजली का बल्ब बनाने का श्रेय उन्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल बल्ब बनाए, यानी उनका बल्ब उपयोगी रहा, इसीलिए बिजली का बल्ब बनाने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही यूनिक वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और ये चीज़ याद रखें कि बेल आइकन को जो बटन है उस पर प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट करें, तभी हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी। अदरवाइज यूट्यूब मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचाएगा। मैंने यूट्यूब टीम से बात की है, इसलिए ध्यान में रखें इस बात को कि ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।